दिया आगे का आई लव कन्यम पीछे वो। तो अंकल लोग भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं खाना आ चुका है, चिकन का सब्जी। सबको लसो फ्याकुला छाजलो सेवारो सेवाने खामरीमो एंड ताशिदिले एंड नमस्ते। आप लोग को सबको फिर से स्वागत है मेरा चैनल में लाइफ विद लामा। जल्दी से सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग कर लीजिए। और आज मैं मेरा पुराना कस्टमर के साथ हूँ, अंकल के साथ और आंटी के साथ भी। वो लोग मेरे साथ पहले लोग घूम चुके हैं। अंकल का नाम बता दीजिए थोड़ा। जयंतो दास जी दास कलकत्ते से आया है। आंटी बता दो तुम ना। आंटी का नाम डॉक्टर मनदीपा चटर्जी। वो लोग कलकत्ता से पहले भी वो लोग घूर चुके हैं। अभी मेरे साथ वो लोग 3 दिन घूर चुके हैं। आज के साथ शायद 3-4 दिन हो जाएगा वो लोग घूरे हुए। और लिटिल ट्यूलिप भी है। और उन लोग का बेटी भी है एकदम। वो लोग वो तो एकदम छोटा सा था जब पहली बार मेरे साथ घूमने आया था। तो आज हम जा रहे हैं कन्यम। तो कन्यम में अभी तक का सफर आप लोग थोड़ा बता दीजिए कैसा हुआ। अभी तो कौन सा स्पॉट अच्छा लगा, कौन सा ठीक लगा, कौन सा आंटी को जो हम स्पॉट को आंटी कौन सा बता दीजिए थोड़ा। सभी पर स्पॉट बहुत अच्छा लगा। हाँ जी अनित्या का गाड़ी में। हाँ जी और ये कालिंपांग लामाहाटा जो जो देखा है और सीनिक ब्यूटी बहुत अच्छा है और बहुत ही अच्छा लगा। टाइगर हिल डेलो टाइगर हिल में जो व्यू पाया कंचनजंगा का उसके साथ टाइगर हिल का सनराइज बहुत अच्छा है और हम लोग बहुत एंजॉय किया। तो अभी आज कंजम जाएंगे, रास्ते में है, अभी रास्ते में दिखाएंगे रास्ता कैसा है। नेपाल जा रहे हैं। मैं भी बहुत दिन के बाद जा रहा हूँ। पहले लास्ट गया था ऑलमोस्ट अराउंड 6 मंथ्स का पहले गया था। आज देखिए आगे रास्ता फुल वीडियो एंड तक देखिए और नेक्स्ट वीडियो कहाँ का बनाना है वो भी एक बार कमेंट कर दीजिए। अभी घूम पहुँच गया। घूम से आपको लेफ्ट लेना है, राइट लेने से दार्जिलिंग, लेफ्ट लेने से फिर मिरिक की तरफ चला जाएगा नेपाल। किधर माने भंजन कहाँ कहाँ जाना है सब वो पहुँच जाएगा। तो ये है लेपचा फॉरेस्ट। अभी ये है आपका सीमाना व्यू पॉइंट। आज कुछ नहीं दिख रहा है वरना इस पार सब नेपाल माने बन जाएंगे। दिख जाता है आपको इधर गाड़ी लगा हुआ है इधर से। चाय वाय पीने का दुकान भी इधर ही है। चाय पीने का दुकान सब इधर ही है। हम लोग को कहाँ पे ये करना पड़ेगा? आप लोग इधर चेक पोस्ट बनाना पड़ेगा। दार्जिलिंग आईडी प्रूफ सबका दीजिए। आप दोनों साइड गाड़ी की एंट्री करवाइए। ऐ देखो ये छोटा टू नहीं है नी वेलकम टू नेपाल छोटा नहीं है ना फोटो एक टू टू दारे ना ना रुकने नहीं देगा। और रुकने नहीं देगा पैसा जो लगेगा उधर 440 से
790 में खत्म साइज। अभी पनियम सब पेपर वर्क हो गया, बालसर काटना पड़ता है 420 का, 20 रुपये में म्यूनिसिपलिटी का होता है आपका, 350 करके यातायात बोलकर एक टिकट काटना पड़ता है, टिकट काटना पड़ता है टैक्सी गाड़ी के लिए। बाजार आ गए, इधर से लेफ्ट लेना पड़ता है। देख तू रास्ता चला जा, निबले गाड़ी घोड़ा बारी घर सब देख। कन्यम फाइनली पहुंच गया। तो ये कन्यम आपका टी गार्डन से बड़ा बड़ा हुआ, ये नीचे गांव है, ऊपर रास्ता एकदम घूमने का जगह, ऊपर बाद में जाएंगे। तो अभी इस तरफ चलते हैं, क्या है नहीं है आप सबको दिखाते हैं। दार्जिलिंग का गाड़ी सब आया है, हमारा गाड़ी उधर लास्ट में पार्क कर दिया है। कन्यम आपको देखने में कैसा लगा कमेंट करिए नीचे, कैसा लग रहा है, कितना मतलब ब्यूटीफुल है, आप लोग को क्या अच्छा चीज़ लगा इधर का, और साइड करना चाहते भी तो इधर मिलेगा। चलते हैं ऊपर इधर घूमने के लिए, रास्ता देखिए। हाँ जी बोलिए, पुकारो तेरे हिड़ने भाई नहीं हो रहा ऐसा। हम लोग का ऊपर में चलने का आदत चला गया अभी। नेपाल का फ्लैग इधर लगा रखा है। थोड़ा सनी डे में आता तो नेक्स्ट टाइम, अगर सनी डे में आएंगे कोई भाड़ा मिलेगा तो फिर उस दिन का करेंगे। गाड़ी इधर रखा हुआ है, वही उधर जाएंगे। फिर ये आगे का आई लव कन्यम, पीछे वो टी गार्डन घूम लिया। हाँ बल्ला बल्ला शुरू कर गाड़ी कुदाउँदै यता उता। मंगल पनि आइपुगेछ मेरो लाइफ इतलामा। ए हुन्छ हुन्छ, कन्यमका भ्यू यसा है, आई लव ए कन्यम मात्रै रहेछ त, आई लव कन्यम त होइन रहेछ, कन्यम लिखा हुआ है। आई भन्देऊ के नाम को कहाँ को तिमी लड्छ है धुलाबाडी। अब भ्यू देख सकते हैं, बच्चा भी प्यारा है, वो धुलाबाड़ी का है। तो टी गार्डन इधर का दूसरा ही टाइप का है, हम लोग का दार्जिलिंग का, और इधर का वो लैंडस्केप जो टी गार्डन बैठा हुआ है तो थोड़ा दूसरा ही टाइप का होता है। 6 बजे से आगे घुसना है। तो अभी नेक्स्ट ट्रिप वो अंतु है जो उधर बादल जैसे लगा हुआ ला, कॉपीराइट लग सा। ये नज़ारा को देखने को मिलेगा आप सबको, सुंदर है। इधर का लैंडस्केप ही दूसरा है और हवा ही एकदम दूसरा है। तो अंकल लोग भी एंजॉय कर रहे हैं, एकदम सब एंजॉय कर रहे हैं, फोटो वोटो एकदम खींच रहे हैं। कैसा है अभी तक? बहुत ही बढ़िया। आप सजेस्ट करेंगे दूसरा लोगों को आने के लिए? तो हम लोग को तो बहुत ही अच्छा से सब कुछ दिखाया, और ये प्लेस जो नहीं देखा है वो पछताएगा। हाँ पछताएगा, आप लोग आना चाहिए इधर, आप लोग इधर टूरिज्म बढ़ाइए। अनीता आप लोग को लेके सब कुछ घुमा देंगे। हाँ बढ़िया बढ़िया। हाँ
अभी खाना खाने चलते हैं। अकाली खाएंगे, नेपाली राइस, नेपाली थाली जो बोलता है अकाली, और गेस्ट को खिलाएंगे। अभी उन लोग का रिव्यू कैसा रहेगा उसमें, ठीक है चलते हैं। हम थकाली एक पुराना रेस्टोरेंट में आया है, यहाँ हिस्ट्री सब लिखा हुआ है, अभी क्या क्या मिलेगा इधर सब। लोग जो नेपाली खाना चाहते हैं इधर खा सकते हैं। अभी खाना आ चुका है, चिकन का सब्जी है इधर, ये आपका साग है, मूला है, ये सब है, राई का साग, ये सब दे देता है लोग। चाहते हैं दाल एकदम ऑर्गेनिक है, स्पेशल थाली थकाली। अपन हमरा थकाली एंजॉय करते हैं। डन एंड डस्टेड, खाना एकदम बढ़िया था। खाना एकदम कैसा लगा आप लोगों को? बहुत अच्छा चिकन अच्छा था, सब्जी एकदम, चिकन इतना मतलब फुल प्लेट दे देता है। आप लोग का जो वेजिटेबल्स मिलता है वो एकदम ऑथेंटिक मिलता है, गुंदरू का अचार क्या क्या बोलते हैं, और उसका मूला का अचार क्या क्या, और वो होता है, तो वो सब ऑथेंटिक रहता है। तो खाना हो गया, अभी आगे जाके थोड़ा देर के लिए रुकेंगे, डायरेक्ट नहीं जाएंगे। अरे इधर तो टेम्पो भी चलता है, हम लोग का इधर दार्जिलिंग में क्यों नहीं चलता है टेम्पो? स्नो मंक तो अभी डॉटी मंक हो गया, क्या बोले। खाना एकदम बढ़िया था आप लोग आने से, थकाली थकाली में खाइए, बहुत अच्छा है ये खाना खाने का जगह। अभी कन्याम छोड़ के फिर बहुत अच्छा लगा फिर के। हाँ जी अच्छा था ना, ठीक था। अभी दार्जिलिंग की तरफ चलिए। अभी इंडिया छोड़ लिया, ए नेपाल छोड़ लिया, अभी इंडिया घुस लिया, अभी इंडिया।